नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश तिवारी। आई विश यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि लो बीपी में कौन सी योगा करना है और क्या हर्ब्स लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लो बीपी के लिए कोई मेडिसिन नहीं होता है और लो बीपी जो है मोर डेंजर होता है हाई बीपी से। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन द्वारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताया गया है 120/80 mmHg। 120 को हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 को जो है डायस्टोलिक। टॉप को बोलेंगे सिस्टोलिक और जो बॉटम है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। क्रमाकुंचन और शीथलन होता है। जब हमारा हार्ट मसल कंस्ट्रक्शन होता है तो पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई हो जाता है, और जब रिलैक्स होता है तो इम्प्योर ब्लड जो है वह हमारे हार्ट में आता है, फिर लंग्स में जाता है, प्यूरिफिकेशन होकर फिर हार्ट में आता है, और ये जो साइकिल है ये हमेशा चलते रहता है। लेकिन क्या 120/80 के बिलो है तो वो लो बीपी कहलाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपका सिस्टोलिक 100 से बिलो होता है, 100 mmHg से बिलो होता है, और आपका डायस्टोलिक 70 mmHg से बिलो होता है तो थोड़ी चिंता की बात होती है और इसको मैनेज करना होता है, हमको ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या घटित होता है जब लो बीपी होता है। तो मोस्टली होता क्या है कि लो बीपी या हाई बीपी कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक मेडिकल कंडीशन होता है। जिस तरह से आप सड़क पर जब चलते हैं अपने बाइक लेकर, मोटरसाइकिल लेकर या फिर कार लेकर, तो आप अपनी स्पीड को कम और बेसी करते रहते हैं, कम भी करते हैं, बढ़ाते हैं, वो डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर, रोड की कंडीशन के ऊपर, और ये सब डिपेंड करता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी जो है ब्लड का प्रेशर, रक्त का चाप बढ़ते घटता रहा है। ये शरीर के इंटरनल और आउट में, बाहर में और अंदर में जो कुछ घटनाएं घटित होती है उसके अनुसार ये होता है। लेकिन जब एक कंस्टेंट हो जाता है लंबे समय तक बीपी, अगर इसके इस लेवल के एक स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके नीचे रहता है और या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू से ऊपर रहता है तो हम हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन बोलते हैं इसको। तो आइए हम ये समझेंगे कि इस कारण क्या है। तो प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कई कारणों से रेगुलेट होता है। जैसे ब्लड का वॉल्यूम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एडल्ट हेल्दी आदमी है उसका 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड होता है। आपका जो आर्टरी वॉल्स है उसमें अगर हार्डनिंग हो गया है उसके कारण भी होता है। मिनरल डिफिशेंसी के कारण भी ब्लड का प्रेशर फ्लैक्चुएट होता है। रीनल में कोई प्रॉब्लम है उसके कारण भी ब्लड का प्रेशर फ्लैक्चुएट होता है। बाहर का वातावरण है, क्लाइमेट के कारण भी आपका ब्लड का प्रेशर फ्लैक्चुएट होता है। तो कहने का मतलब कि बहुत सारा कारण होता है कि ब्लड का प्रेशर कम या अधिक होना है। लेकिन आप अगर कंटिन्यूसली ज़्यादा बना हुआ है, बार बार आप मेज़र करते हैं और आपकी जो है ब्लड का प्रेशर हाई है, बार बार मेज़र करने के बाद निम्न होता है, तो ये बिल्कुल ही डेंजर होता है। इसको हम लोग को मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो लो बीपी में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर अपार्टमेंट में सबसे जो टॉप फ्लोर होता है, टॉप फ्लोर में अगर पानी का प्रेशर कम है तो उनको पानी की सप्लाई नहीं होता है। ठीक उसी तरह अगर ब्लड का प्रेशर कम होता है तो हमारे ब्रेन को एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड जो है नहीं पहुंचता है। वैसी स्थिति में चक्कर आना और चक्कर आके गिर जाते हैं। तो इसके लिए कुछ सावधानियां हैं। जैसे अगर आप रात को सोते हैं तो आप पिल्लो सिर के पास यूज़ ना करके आप पैर के पास यूज करना है। दूसरी नंबर बात कि अगर रात को उठते हैं टॉयलेट करने के लिए तो आप सडन उठ के खड़े मत हो जाइए, आप बेड पे ही उठ के बैठिए फिर आप जो है उठिए, या फिर ऐसे ही बैठे हुए हैं तो सडन मत उठना है, थोड़ा सा टाइम लेना है ताकि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे मैंने बताया कारण तो बहुत सारा होता है, लेकिन मेन कारण होता है कि ब्लड का वॉल्यूम। जब हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड की मात्रा शरीर में कम होता है, तो हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम होता है, मतलब लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको अधिक से अधिक पानी पीना है। और अच्छा, कारण क्या होता है, किस कारण से होता है, जैसे लूज मोशन हो गया या उसके कारण ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, या डिहाइड्रेशन हो गया है किसी कारण से, या फिर आपको जो है बॉडी बर्निंग हो गया है उसके कारण हो सकता है आपको, या फिर लंबे समय तक फास्टिंग में रहते हैं वो भी एक कारण हो सकता है,
दूसरा कारण होता है कि हेमोरेजिक होता है, जैसे ब्लीडिंग कहीं से अगर शरीर में हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय माताएं बहनों को लंबे सब अधिक एक्सेसिव जब होता है तो उस समय ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। और दूसरा कारण होता है कि जैसे अगर पाइल्स है, हेमोरेजिक पाइल्स है, तो उसमें भी ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ब्लड का वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके कारण ही होता है, तो आपको अधिक से अधिक पानी लेना है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुबह सुबह आपको मीठा जूस लेना है, मीठा स्वीट जूस लेना है। स्वीट जूस किस चीज़ का हो गया, जैसे मैंगो का हो गया, चीकू का हो गया, वाटर मिलन का हो गया, आपको 200 ml मिनिमम तो आपको लेना ही है। और वो जूस जो पियेंगे सिप सिप करके जूस पीना है। दूसरी नंबर बात है कि जूस बनाएंगे उसमें 250 mg मतलब 2 pinch आपको सेंधा नमक डाल के और वो बनाना है। शाम को एक नटशेक आपको लेना है। नटशेक में क्या क्या लेंगे, जैसे एलमोंड हो गया, 5 to 6 एलमोंड ले लेना है, डेट्स 4 to 5 ले लेना है, और काली मुनक्का होता है उसका जो है 12 to 15 ले लेना है। ओवरनाइट इसको सोकिंग के लिए छोड़ देना है वाटर में, मॉर्निंग में, या फिर आपको शाम को ही लेना है, शाम को 5 बजे। तो आपका सेल निकाल देना, उसके सीड निकालना है और फिर ग्राइंड करके उसमें भी आपको 250 mg आपको सेंधा नमक मिलाना है और फिर उसको भी सिप सिप करके पीना है। तो ये हो गया आपका हर्बल। रात को आपको एक चीज़ लेना है, रात को आप जो है अश्वगंधा और बिदारा इक्वल क्वांटिटी में, और इक्वल क्वांटिटी में ही उसमें मिश्री आप मिला लीजिए, और मिश्री मिला करके आपको दूध के साथ या गर्म पानी के साथ सोने से आधे घंटा पहले आपको लेना है। तो ये आपको करना होगा यौगिक मैनेजमेंट। दूसरा होता है कि आपको यौगिक क्रिया क्या करना है। तो यौगिक क्रिया में ऑल इन्वर्टेड आसना इसमें किया जाता है, जितने भी इन्वर्टेड आसना। इन्वर्टेड आसना का मतलब हो गया कि जिसमें पैर ऊपर होता है, जैसे सर्वांग आसना हो गया, हलासना हो गया, शीर्षासना। यह आसना बहुत बेनिफिशियली होता है, खास करके लो बीपी के लिए। तो ये आसना आपको कोई भी एक परफॉर्म करना है। अब आइए दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम में सूर्य वेदी प्राणायाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य वेदना प्राणायाम जो होता है उसमें करना क्या होता है, हमारा जो नोस्टियल है, राइट और लेफ्ट, ये दो नोस्टियल है, राइट नोस्टियल और लेफ्ट नोस्टियल के फ्लो में के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे फिजियोलॉजिकली चेंजेज आता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि राइट नोस्टियल जो होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि राइट नोस्टियल का अगर फ्लो हो रहा है तो आपके शरीर में सब कुछ हाइपर हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो लो बीपी में हमको करना क्या है कि राइट नोस्टियल को फ्लो को बढ़ाना है। राइट नोस्टियल को जब फ्लो हम बढ़ाने लगते हैं तो वो ब्लड का प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। आइए बताते हैं कि आपको सूर्यवेदी प्राणायाम कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप करना क्या है कि राइट थंब का प्रयोग करना है, राइट हैंड का थंब का प्रयोग करना है, और इसमें जो है आपका रिंग फिंगर का प्रयोग करना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये राइट और लेफ्ट। सबसे पहले हमको करना क्या है कि एक्सहेल करते हैं। कभी भी हम प्राणायाम शुरू करते हैं तो एक्सहेल करें तब इनहेल करें, क्योंकि जब अगर आप शुरू में ही इनहेलेशन करना शुरू करेंगे तो ब्लड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो आप जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, फैट भी फील करेंगे आप। तो कभी भी शुरू करें, मैं बार बार हर वीडियो में ये बताता हूँ कि एक्सहेलेशन फर्स्ट होना चाहिए फिर इनहेलेशन होना चाहिए। तो आइए मैं करता हूँ सूर्यवेदी। सांस को पहले बाहर निकाल देना है, इनहेलेशन करना है लेफ्ट से, एक्सहेलेशन करना है। सांस को धीरे धीरे और कंटिन्यूअसली आपको लेफ्ट से राइट से धीरे धीरे कंटिन्यूअसली पूरा सांस लेना है, रिटेंशन नहीं करना है, कुंभक नहीं लगाना है, और फिर लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ देना है। ये आपका एक राउंड हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपको करना है राइट से इनहेलेशन और लेफ्ट से एक्सहेलेशन। जब भी इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं तो स्लोली करेंगे, कंटिन्यूअसली और कम्प्लीटली करेंगे, बिना जर्क के साथ करेंगे। इस प्राणायाम के करने के लिए कुछ सावधानियां भी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको जानना चाहिए कि समर सीजन में इस आसना को जो सामान्य व्यक्ति है उनको नहीं करना है, और ख़ास करके जो हाइपरटेंशन है और हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है। दूसरी नंबर की अगर अल्सर हो, चाहे वो ड्यूडिनम अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, कोई भी अल्सर हो, उनको ये नहीं करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और समर सीजन में सिर्फ वही करेंगे जो लो बीपी वाले हैं, और हेल्दी आदमी को ये आसना परफॉर्म नहीं करना है।
तो मैं जैसा कि समझता हूँ कि आप लोग इस आसना प्राणायाम और हर्ब्स का प्रयोग करके डेफिनेटली मैनेज करेंगे, तो आप जुड़े रहें और नए नए जानकारी आपको मैं देता रहूँगा।